नमस्कार। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अर्थराइटिस डे पर अर्थराइटिस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जिसको हिंदी में गठिया कहते हैं। और बात और गठिया दो कुछ ऐसे ये रोग हैं जिसमें लोग बराबर कंफ्यूज हो जाया करते हैं, लेकिन आप जो है ये दोनों अलग अलग रोग हैं। देखिए, बात और गठिया, बात को आप रूमेटिज्म और गठिया को गाउट ये कहा जाता है, दोनों अलग अलग रोग हैं। गठिया 30 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों में प्राय नहीं होता। देखिए, स्वस्थ अवस्था में अगर कोई व्यक्ति हो तो उसके शरीर में एसिड की मात्रा रक्त में अधिक न हो नहीं रहती है, क्योंकि वह मूत्र मार्ग से निकल जाया करता है। लेकिन जब शरीर में गड़बड़ी हो लेकिन वह नहीं निकल पाती किसी कारण से, तो वह रक्त में मिलकर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा लेता है और उसमें एक प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति के कारण ये क्या होता है कि वो रक्त में मिलकर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से यूरेट ऑफ सोडा हो जाता है, बढ़ जाता है, जो जमा हो जाता है हाथ पैर के छोटी छोटी संधियों पर, जॉइंट्स पर, और वहां दर्द होता है, सूजन होता है, जिसे गठिया और अंग्रेजी में आप गॉट, पेडोगोडा और अर्थराइटिस भी कहते हैं। कारण क्या होता है? मांस मछली मद्य मदिरा का अत्यधिक सेवन, शीत प्रधान देशों में रहना या क्षेत्रों में हमेशा शीशा धातु के साथ काम करने वालों को खास करके लेड पॉइजनिंग हो जाता, पसीने से तर शरीर को एकाएक ठंडा लगना आदि इसके कारण होते हैं। दूसरा क्या होता है कि अब जब बहुत गर्म अवस्था में अधिक ठंडा पानी पी लेते हैं, वंशानुगत भी होता है। आपके अगर पूर्वजों को गठिया है, माता पिता को है, तो उनके पुत्रों को होने की संभावना अधिक हो जाती है। होमोफीलिया रक्त स्राव से जोड़ों में खून के थक्के जम जाने से उत्पन्न गठिया को एक्यूट यानी गंभीर अर्थराइटिस कहते हैं। क्षय रोग और आम बात में भी हड्डी के जोर प्रभावित होते हैं। कंधों का जकड़न, कंधों के मांसपेशियों में सूजन आ जाने से कंधे स्वाभाविक रूप से हिलडुल नहीं पाते। हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन तथा अल्ट्रासोनिक रे के सेक से दर्द में कुछ लाभ पहुंचता, तो आप इसको कराते रहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका एक भेद होता जो प्रायः 50 से 55 वर्ष के बाद शुरू होता। घुटने कंधे रीढ़ के हड्डियों में दर्द होता है। जोड़ों का कार्टिलेज घिसने के बाद हड्डी मैंने क्या होता है घिसने लगती है। हिलने डुलने पर कर कर की आवाज होता है। आप देखिए, घुटना डुलाइए या डुलाइए, डुला के देखिए तो देखिएगा कि कर 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 कराहट की आवाज आती है। हमने कहा ना कि वो यूरिक एसिड और वो जाके हड्डी के कैल्शियम से वो रिएक्शन करता है, आपको यूरेट ऑफ सोडा उसका उसका क्रिस्टल बनाता है जो उस पर जम जाता है, दर्द बढ़ता ही रहता है। ऐसी हालत में खूब चले और हल्का फुल्का व्यायाम भी करें, और जो औषध हम बाद में बताएंगे उसका प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। और एक सबसे बड़ी जो आवश्यक है कि आप खान पान में परहेज करें, आप आरोग्य आहार का सेवन करें। आरोग्य आहार के बारे में जो आपका ये लिंक है हमारे ये दिया हुआ है इसके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अम्ल बनाने वाली जो चीजें हैं
जिससे अम्लीयता बढ़ती है शरीर में, उसका तो प्रयोग आप बंद कर दीजिए। इस पर फिर से हम बात करेंगे कि कौन कौन चीज खाने से अम्लीयता बढ़ती है, किसके किसके खाने से अम्लीयता नहीं बढ़ती है। आरोग्य आहार का चार्ट अगर आप देखेंगे तो सुबह से शाम तक जो काम बताया गया है वो आपके यूरिक एसिड को निश्चित रूप से घटाने का काम करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, देखिए 40 से अधिक उम्र की महिलाएं को ये रोग अधिकांश होता है। ये घुटने, टखने, हाथ के जोड़ और विशेष रूप से उस पर प्रभावित होता है ये सब। और ये दर्द जो होता है, ये रोग हमेशा के लिए सक्रिय अगर रहे, इसमें क्या करना है, क्या एक्टिव रहना, जितना आप एक्टिव रहिएगा और फिर आराम कीजिए, एक्टिव भी रहिए आराम भी करिए तो थोड़ा सा लाभ मिलेगा। और वो खास करके मैं जो कह रहा हूं कि एसिड वाले, वो तो फिर जनरली मैं बाद में बताऊंगा। देखिए रीढ़ की हड्डी की भी गठिया होती है। रोगी देखिएगा कुछ कुछ लोगों को क्या आगे की ओर झुक जाता है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कुल्हे और कंधे भी प्रभावित होते हैं। ऐसा रोग जो होता है वो पुरुषों में होता है। देखिए गाउट टाइप का होता है, जो घुटने के जोड़ के जो कार्टिलेज के घिसने से यह रोग खासकर होता है। में क्या होता है कि उसके जो ज्वाइंट है घुटना में या और दूसरे ज्वाइंट में यूरेट को ये सोडियम कैल्शियम यूरेट के जमा हो जाने से, या जो है वो ये खास करके अपंग तक आदमी हो जाता है। और यह जो है वो काफी परेशान करता है। ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ने न दे, बढ़ने से रोके, यही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं। देखिए जोड़ों की टीबी, जिसे बोन टीबी भी कहते हैं, यह विशेष रूप से कुपोषण के कारण होता है। इसका आक्रमण जोड़ों पर होता है, खासकर ज्वाइंट्स पर। यह फेफड़ों का क्षय रोग भी हड्डियों को प्रभावित करता है और यह बोन टीबी के रूप में ये अपने अस्थियों को प्रभावित करके ये काफी परेशान करता है। देखिए गठिया का रोग जो है, ये रोग ये प्रायः रात में आधमकती है। देखिएगा पैरों के अंगूठे से दर्द उठा, पैरों के जो आपका गुल्म संधि है वो खास करके एंकल ज्वाइंट, घुटने की संधि है, नी ज्वाइंट और एड़ी की संधि है, हील ज्वाइंट, उस पर भी इसका प्रभाव जोर से होता है और रोगी बेचैन हो जाते हैं। देखिएगा वहां की वो शिराएं लाल हो जाती है और वो फूल जाती है। अब इसकी चिकित्सा या औषधि की बात हम करें, उससे पहले बचाव की बात कर लें कि हमको पहले परहेज क्या करना चाहिए। सबसे जबरदस्त चीज है, आप औषधि करें और परहेज ना करें। खान पान में आप अगर वो क्या नियमित ना हो, संतुलित ना हो, व्यायाम ना करें, और तो फिर आप इसका क्या हो सकता है। सिर्फ औषधि से काम चलाने की बात नहीं, आपको परहेज, और मैं बताऊं आपको बचाव के उपाय के लिए, आप खान पान पर ध्यान दें, प्रोटीन से भरपूर भोजन लें। प्रोटीन में भोजन लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि देखिए ये सेम लीजिए और ये सब्जियां लीजिए, बीन्स लीजिए और चेरी, मशरूम, ओट्स, चौलाई, संतरा, और ये क्या है कि ये ब्राउन राइस जो आपके भूरे रंग का चावल होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, मेथी, ये क्या कहते हैं सौंठ, नाशपाती, अंकुरित गेहूं या व्हीट ग्रास जूस, सूरजमुखी के बीज, कद्दू, सोयाबीन, सोया के सारे प्रोडक्ट यानी सोया बड़ी, सोया पनीर, पपीता लीजिए, ब्रोकली लीजिए, लाल शिमला मिर्च लीजिए, अजवाइन खाइए, अनानास खाइए, अनार, आदू, एलोवेरा, आंवला, सेव, लहसुन, लहसुन तो बहुत लाभदायक है, आलू बुखारा, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन। इसके अलावा आपको दूध अगर लेना हो तो आप देसी गाय का दूध लीजिए और देसी गाय के दूध का ही प्रोडक्ट का सेवन करें। जर्सी गाय का दूध या और अन्य दूध का जब प्रयोग करते हैं तो वो आपको परेशान करेगी। आप वो सोया मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, आप सोयाबीन का दूध बना के प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए उसके अलावा आपको सहजन, बथुआ, देखिए मेथी, सरसों का साग, देखिए कड़वी का साग, तुरई, पत्ता गोभी, परवल, गाजर, अजमोद एक जामा अजमान टाइप का ही चीज होता है, करेला, इतने चीजों में से एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। ध्यान यही रखिए कि आपको ऐसे फल का सेवन न कीजिए जो रस में रसदार हो,
अनानास को छोड़ के, और वो सारे एसिडिक होते हैं, और ऐसे फल जिसमें रस नहीं हो वो सब के सब एसिडिक नहीं होते हैं, वो बेसिक होते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। मालिश आप कीजिए तो हमेशा जैतून का तेल, अलसी का तेल या मछली का तेल का मालिश कीजिए। पानी खूब पीजिए, हींग, शहद, सुगंधा, हल्दी ये सब खाइए। मछली का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए सफेद चीनी सबसे बड़ा जहर क्या है, सफेद चीनी से मुक्त हो जाइए। ये देखिए सफेद चीनी मत खाइए, उसके बदले में शक्कर लीजिए आप, उसके बदले में आप ये क्या स्टीविया का पाउडर लीजिए आप, ये क्या कहते हैं आप जाके सेक्रीन भी मत खाइए, या शुगर फ्री जो आता है सीसी में वो भी इसका भी प्रयोग मत कीजिए। कैफीन से बचिए, चाय कॉफी से भी आप बचिए श्रीमान। और आप देखिए रेड मीट को तो आप सबसे ये सब छोड़ ही दीजिए। रेड मीट जो होता है वो काफी नुकसानदेह होता है, और अम्लीय पदार्थ कोई भी एसिडिक चीज उसको ना खाइए, ताकि आपके जो ये यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए। और आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि तेल का सेवन सब्जी में मत कीजिए, वो आप जीरो वाइल कुक कीजिए। और जीरो वाइल कुक पर देश के बड़े बड़े लोगों का एक बहुत सारा बड़ी सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारा एग्जीबिशन है, बहुत सारा वीडियोज है, आप उसको देखिए। और बिना तेल की सब्जी बनाइए, मछली भी बिना तेल की बनाइए। भाई तेल आपके लिए पेट में बहुत नुकसानदेह है, वह एसिड को भी बढ़ाता है, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे ट्राइग्लिसरॉल को बढ़ाता है, तो आप तेल से भी परहेज कीजिए। और हमारा जो वो डाइट प्लान है खास करके आरोग्य आहार, उसका जो लिंक है हमने आपको वो दे दिया है, आप उसको जाके आप उसको देखिए। हर्बल में इसकी औषधियां बहुत सामान्य है। आज मैं जिसका प्रयोग आपको बतलाने जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा आप सबका प्रयोग एक साथ करना शुरू कर दीजिए, मेरे ख्याल से जो आपके लिए सबसे आसान हो, और एक तरह के जो एक हो उसी का प्रयोग करें तो अभी ज्यादा अच्छा हो। पहली बार मैं बताऊं कि देखिए आप लहसुन लीजिए, एक कली वाला लहसुन में देखिएगा एक पोट होता है जिसमें बहुत सारी कलियां लगी होती है, और उसमें से कुछ अगर चुनिएगा तो एक कली वाला मिलेगा, और एक कली वाला अगर लहसुन मिल जाए तो थोड़ा सा आप जमा कर लीजिए, काफी उसको रख लीजिए, बड़ा लाभ करेगा इसमें। एक कली वाला वो लहसुन जो है वो आधा किलो दूध में डाल दीजिए, और डाल करके आप उसको उबालिए, और उबालने के बाद 1/4 यानी आपको आधा पाव के करीब आपका रह जाए 125 ml, तो 125 ml अगर रह जाए तो उसको छान के आप पी जाइए। आप देखिए दूसरे दिन क्या कीजिए कि दो वो एक कली वाला एक पुटिया दो लहसुन का कली आप डालिए आधा किलो दूध में, उसको गर्म करके फिर 125 ml हो जाए उसको पी जाइए। तीसरे दिन 3 डालिए, चौथे दिन 4 डालिए, पांचवें दिन 5 डालिए, इस तरह से करते करते आप 12 दिन तक 12 डालिए, और 12वें दिन के बाद फिर घटाइए 11, 10, 9, 8, 7 करते करते 1 तक आ जाइए, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराए ऊपर नीचे ले जाने का जब तक आप अपने रोग से मुक्त ना हो जाए। बंधुओं मैं आपको बताऊं, दूध में आप हमेशा ख्याल रखिए, दूध का मतलब नहीं है कि उजला ऐसा कोई पदार्थ, तरल पदार्थ जो लैक्टोमीटर से जांच के दिखा दे, लैक्टोमीटर से हमें जांचने की जरूरत नहीं। आप देसी गाय का दूध क्या हो गया इस देश को, ऐसे दूध हमारे यहां उपलब्ध है जो हमें रोग ग्रस्त करते हैं, हमें डायबिटीज, कैंसर, वो थायराइड, ब्लड प्रेशर, ना जाने क्या क्या से रोग आप हमारे शरीर में डालते जा रहे हैं। आप देसी गाय का दूध ही लीजिए, नहीं तो आप पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो बेहतर है आपको अन्य दूधों के साथ। आप देखिए दूसरा है पुनर्नवा का जल, 10 ग्राम ले लीजिए, और उसको आप क्या कीजिए कि आप 500 ml, मैंने 100 ml 500 क्या कि 100 ml पानी में आप 10 ग्राम चूर्ण को आप उबाल दीजिए, जब उसका आधा बच जाए 25 ml बच जाए तो उसको पी जाइए। पुनर्नवा का जल आपके यहां उपलब्ध होगा, नहीं तो आपके पंसारी के दुकान से ले लीजिए, और ये आसान है,
पानी में इसको बनाना है, आप इसको जब पीते रहिए और तब तक पीते रहिए रोज जब तक आप छूटने जाए, एक बार पीजिए, दो बार पी सकते हैं उससे ज्यादा नहीं। तीसरी दवा को आप हमें बता रहा हूं, तीसरा बहुत ही प्रभावकारी जो आपके यूरिक एसिड को निश्चित रूप से कम करेगा, अश्वगंधा, चोप चीनी, पिपला मूल और सौंठ। फिर से देख सुन लीजिए, अश्वगंधा, चोप चीनी, पिपला मूल और सौंठ सबको बराबर मात्रा में मिला दीजिए आप उसके चूर्ण करके, और एक चम्मच दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, सूक्ष्म पानी के साथ प्रयोग करें, आपको गठिया से मुक्ति होगी। मालिश करने के लिए हमने आपको बताया तेल, जैतून का तेल, अलसी का तेल या आप वो मछली का तेल, उससे आप मालिश कर दीजिए जोड़ों पर, उसको सेक दीजिए और एरंड के पत्तों पर वह तेल लगा के थोड़ा गर्म करके सेक करके उस पर बांध दीजिए, रात भर बांध के छोड़ दीजिए, देखिए कल होके आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक टप लीजिए, उसमें आप सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और उसमें अपने पैर को डुबा दीजिए सूक्ष्म पानी बर्दाश्त करने लायक, और उससे अपने जोड़ों को भी आप उस पर पानी से आप धोके फिर पोछ पाछ के तब मालिश कीजिए तो आपको ज्यादा लाभ होगा। रात में एक चीज का और प्रयोग कीजिए, त्रियोग। मैं अपने सारे पेशेंट को देता हूं, सभी लोगों के लिए देता हूं। अब मैंने त्रियोग के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आप त्रियोग बाजार में भी उपलब्ध है, आप भी बना सकते हैं, हमारे यहां भी उपलब्ध है। बनाने के मामले में पता नहीं आप क्या बना सकते हैं नहीं बना, हमारे यहां उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। एक चम्मच सूक्ष्म पानी के साथ रात में ले लेंगे तो सुबह होके आपको अंदाज आएगा कि क्या होगा। पथ में आप गेहूं का आटा 500 ग्राम, उसमें अलसी एक चूर्ण, उसका चूर्ण दे दीजिए एक चम्मच, एक चम्मच सफेद तिल का चूर्ण, अजवाइन आधा चम्मच और आधा चम्मच दे दीजिए आप वो मंगरेला, तो आप उसको दे के आप उसको रोटी बना के खाइए तो आपको बहुत ही लाभ करे। अपथ्य कुछ है, रेड मीट, चावल, आलू, गोभी, मूली और उड़द का दाल, चना का दाल, केला, टमाटर, आप ये दही, वायु कारक पदार्थ, देखिए दिन में सोना और अधिक परिश्रम करना ये सब अपथ्य के श्रेणी में आता है, ऐसा आप हरगिज न करें। एक बार पथ पर एक बार चर्चा मैं और करूं कि आपके खाने के लिए आप रोटी तो खा ही सकते हैं, रोटी आप मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग कीजिए या दो तीन तरह के आटा को मिला लीजिए, मोटा आटा, आप उसको चलनी से न चालें, और उसमें मैं चार चीज मिलाने का सुझाव आपको देता हूं, सभी रोगों से आपको मुक्त करेगा। आप उसमें एक चम्मच दे दीजिए अलसी का चूर्ण, एक चम्मच दे दीजिए काला वो सफेद तिल का चूर्ण, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी, हमारे मंगरेल जिसको अपने यहां कहते हैं, कलौंजी का चूर्ण मिला के और तब रोटी बनाइए, और उसमें आप अगर रागी का आटा दे दीजिए, मक्का का आटा दे दीजिए, आप उसमें बेसन दे दीजिए, ये सब कुछ और भी आपको उसको ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्राउन राइस की बात हमने की ही है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गठिया से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करें। और गठिया जानते हैं आप, अपने देश में भारत में 180 मिलियन लोग गठिया से ग्रस्त हैं, यूरोपियन कंट्री में 120 मिलियन लोग, ये आपका जो है वो WHO का आंकड़ा है। देखिए 15% जो है ना वो लोग जो है टोटल, जिसमें 18% वोमेन और 10% मेन, 60 से ऊपर 18% औरत और 10% पुरुष, ये 60 वर्ष से ऊपर के लोग इस रोग से ग्रस्त हैं, और हम आज 2020 में इसका जो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस रोग से मुक्त हों। हर्बल पॉइंट आपकी सेवा में सदा हाजिर है। नमस्कार।